जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे सो so, दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे जो भी रेलेवेंट आर्टिकल्स आए हैं सिक्स टू नाइन्थ नवंबर के बीच में तो दिवाली के अगले दिन यानी कि पांच नवंबर को न्यूज़पेपर नहीं आया था तो इस करके हमारे पास पांच नवंबर के आर्टिकल्स नहीं इसमें मौजूद होंगे सो so, uh, हम आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फ्रॉम सैटरडे टू टुडे इज ट्यूजडे तो हमारे पास टेन आर्टिकल्स हैं वी हैव टेन रेलिवेंट एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू जिसकी हम डिस्कशन करेंगे और चर्चा करेंगे ठीक है दोस्तों चलिए सो so, हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल के टूअल्स तो पहला आर्टिकल है अ क्लाइमेट लीडर बाय द वे मैंने इंडेक्स में ये सारे के सारे ना जो आर्टिकल कौन से न्यूज़पेपर में से आया है कौन सी डेट को आया है वो मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ पे फिर एक नजर भी डाल सकते हैं ठीक है तो पहला आर्टिकल है अ क्लाइमेट लीड क्लाइमेट लीडर सो कंडेक्स क्लाइमेट लीडरशिप शोन बाय इंडिया जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया ने बहुत एम्बिशियस टारगेट्स अनाउंस करे हैं टूवर्ड्स ट्वेंटी थर्टी ग्लास्को की जो सबमिट हुई थी सीओपी ट्वेंटी सिक्स में और ऑल्सो इंडिया ने जो बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट अनाउंस करा है टूवर्ड्स ट्वेंटी सेवेंटी ऑफ अचीविंग नेट जीरो ठीक है सो इसको लेके बहुत चर्चा रही है न्यूज पेपर्स में मीडिया में पिछले एक दो हफ्तों से नाउ अ कॉल फॉर नेट जीरो बाई ट्वेंटी सेवेंटी वेरी एम्बिशियस वेरी वेरी एम्बिशियस टारगेट इसको लेके हमने काफी डिस्कशन में डिस्कशन भी करा है काफी कवरेज एडिटोरियल्स में इसको लेके पिछले लास्ट वीक में आई भी थी सो so, अब द प्राइम मिनिस्टर स्पोक फॉर डेवलपिंग कंट्रीज राइट सो ऑब्वियसली ही सो इंडिया वॉन्ट्स टू गेट दिस ऑपरचुनिटी दैट इंडिया कैन बी द वॉइस फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड बिकॉज ऑब्वियसली ये सब एम्बिशियस टारगेट्स मीट करना डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली अभी हमने वो डेवलपमेंटल लेवल्स नहीं अटेन करे जो डेवलप्ड इकोनॉमीज ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं तो so, हमारे ऊपर किसी भी किस्म का प्रेशर या ऑब्लिगेशन नहीं था कि हम नेट जीरो की कमिटमेंट इतनी जल्दी कर दें बट अगर हमने करी है सो वी मस्ट सीज दिस ऑपरचुनिटी टू शो लीडरशिप स्पेशली लीडरशिप फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड राइट एंड ऑल्सो इन्श्योर दैट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हमारे साथ पैरली हमको डेवलपिंग कंट्रीज को फाइनेंस कर रही हैं फंडिंग दे रही हैं ताकि हम ये टारगेट्स मीट कर सकें सो so, uh, Currently, India has one hundred and one point five gigawatts of renewable uh, installed in renewable energy, plus forty six point five gigawatts of large hydropower capacity. Combined with almost seven gigawatt of nuclear power, this all amounts to one fifty five gigawatts. So, which is forty percent of the power capacity coming from non fossil resources. Now, towards twenty thirty, we have committed five hundred gigawatt of non fossil फ्यूल एनर्जी सो जो रिन्यूबल एनर्जी का हमारा टारगेट है पांच सौ गीगा वॉट है तो अभी तक हमारे पास वन फिफ्टी फाइव गीगा वॉट ये ज्रेकअप आपके सामने दिया हुआ है वी हैव ऑलरेडी अचीवड राउंड अबाउट वन फिफ्टी फाइव टू वन सिक्सटी गीगा वोट बट आर टारगेट इन द नेक्स्ट कमिंग एट टू नाइन ईयर वुड बी टू गो फर्दर टू फाइव हंड्रेड गीगा वॉट्स नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस टूवर्ड्स अचीविंग नेट जीरो हमने काफी सारे चैलेंजेस की बात पहले भी करी है जो पहले आर्टिकल्स आए हैं लास्ट टेन डेज में तो अब इस आर्टिकल में जो चैलेंजेस मैंशनड है कि क्या ऐसी रुकावटें क्या ऐसी ऑब्स्टिकल्स क्योंकि बहुत एम्बिशियस बात है कि आने वाले 50 सालों में हम बिल्कुल नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड मिशन का कमिट कर रहे हैं वो भी उस कंडीशन में जब हम इतना डेवलपमेंट लेवल अचीव नहीं कराए हमने अब क्योंकि अभी भी हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं जो डेवलपमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी नेट जीरो अनाउंस करना वॉज वेरी इंपेरेटिव बट इट कम्स एज अ बिग सरप्राइज फॉर इंडिया विच इज येट अ डेवलपिंग कंट्री टू अनाउंस such ambitious targets now what are some challenges which will come uh, in this way towards 2070 is that number one if india builds another 50 gigawatt of hydropower and nuclear capacity this would require installing around about 300 gigawatt of additional renewable capacity this means that we have to deploy at least 10 at least close to 11 megawatts of renewable energy capacity per day yani ki six days in a week

इंडिया हैज कमिटेड टू रिडक्शन ऑफ सीओ टू कार्बन डाइऑक्साइड सो दट गुड बट इंटरेस्टिंगली अगर हम ये हमने वन बिलियन टन कब तक, तक रिड्यूस करना है बाई ट्वेंटी थर्टी तो यह हमने कमिटमेंट कर दी लेकिन रिकॉर्ड यह दिखाता है इंडस्ट्रियलाइजलप कंट्रीज का दैट उनकी जो रिडक्शन इन हुई है कार्बन डाइऑक्साइड अगर रिडक्शन की बात करें सो so वो सिर्फ क्लोज टू फोर परसेंट हुई है वो भी तीस सालों में थर्टी ईयर में बिटवीन द पीरियडीन नाइनटी टू टू थाउजेंड नाइनटीन तो आने वाले नौ सालों में इतना रिडक्शन करना कार्बन डाइऑक्साइड uh, में ये देखने वाली बात होगी इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर द नेट जीरो ट्रांजेक्शन वुड बी एनी वेर बिटवीन क्लोज टू नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड बिलियन डॉलर्स टू फोर्टीन थाउजेंड बिलियन डॉलर्स बिटवीन ट्वेंटी थर्टी एंड टू थाउजेंड वन हंड्रेड सो दिस इज क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी आई मीन इतना सारा पैसा हमको मोबलाइज करना इतना सारा फंड मोबलाइज करना विल नॉट बी निजीटा सो वी हैव गिवन दिस टारगेट विच इज़ वेरी गुड बेक्राउंड ऑफ अप लॉस फॉर दैट बट इसके लिए जो कॉस्ट है जो फाइनेंसिंग है जो इसके लिए हमको जो फंड मोबलाइज करने पड़ेंगे वो भी ए कॉज ऑफ कंसर्न है Okay. And of course, I mean, all this announcement also gives a massive opportunity to develop next-gen smart appliances, elect uh, electric vehicle batteries, solar panels, wind turbines, etc. etc., et Now, what were the takeaways from the COP26 in context for India? Okay. So, number one is despite 2070, a net zero year, uh, its cumulative emissions from 1900 to 2100, so, Hamari cumulative emissions, hain, as compared to the developed countries, we have announced that we will achieve net zero. But our cumulative greenhouse gas emissions is still still much much lower than what the emissions of greenhouse gases has been of the developed countries. Now India's transition from peaking emissions to net zero would be much faster as compared to the developed countries. India has demanded one trillion. सो so, देखिए अभी तो जो पेरिस कॉन्फ्रेंस 2015 में हुई थी सी ओ उसके हिसाब से डेवलप्ड कंट्रीज ने कमिट किया था कि भाई हम बाय 2020 100 बिलियन डॉलर्स हर साल देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को अब यहां पे फिर एक और चेंज हुआ फिर डिवेल देखिए वो तो बैरक ओबामा के टाइम की बात थी फिर बाद में डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो अपने आप को विड्रॉ कर लिया पेरिस कॉन्फ्रेंस के अग्रीमेंट में से है ना डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है नाउ

अगला आर्टिकल है दोस्तों द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ नाउ अब बात यहां पे कंटेक्सट में ये आ रही है दैट जो एग्जिस्टिंग लीगल आर्किटेक्चर है जो लीगल फ्रेमवर्क है क्या वो एडिक्वेट है टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज सो क्लियरली वो एडिक्वेट नहीं है राइट right? अब इसमें गैप्स क्या हैं जो हमारे लीगल फ्रेमवर्क में जो गैप्स आते हैं व्हेन वी टॉकिंग अबाउट डीलिंग विद एन इशू सच एज क्लाइमेट चेंज Now climate is not exactly water or air. Though देखिए हमारे पास laws हैं like water prevention and control of pollution uh, act की बात करें या environmental pollution act की बात करें air air pollution act की बात करें ये सब हमारे पास हैं but they are not adequate they are not sufficient to deal with the climate change. अब कौन सा ऐसा कानून या law होगा जो कि impact of cyclone या floods के चलते uh, कोई असम को framework provide कर पाएगा? क्योंकि आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इतने जो इफेक्ट्स हो रहे हैं जो डिजास्टर्स हो रहे हैं लैंडस्लाइड्स हैं साइक्लोन्स हैं फ्लड्स हैं इसके चलते व्हाट आर द लीगल फ्रेमवर्क्स व्हिच वी हैव व्हिच कैन हेल्प अस इन टर्म्स ऑफ मिटिगेशन मिटिगेशन एफर्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑफेंस अगर एक ऑफेंस कमिट किया जाता है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट और एनी अदर लॉ सो द पर्सन विल बी पनिश्ड अंडर द अदर लॉ इसका मतलब this makes epa subordinate to every other law now the 500 gigawatt by 2030 goal for renewable solar or wind power can put critically endangered grassland and desert birds such as the great indian bustard as risk because they may die on collision with wires in the desert सो अगेन नाउ ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए चाहे हमको विंड चाहे हमको सोलर एनर्जी बढ़ानी है चाहे हमको टाइडल एनर्जी के थ्रू में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है चाहे विंड टर्बाइंस uh, के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है ना ऑल दैट इज गुड बट वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड द इकोलॉजिकल इंपैक्ट टू कीप इन माइंड दैट जो हमारा टेरिट्रियल और इक्वेटिक इको सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो नाउ यहां पे इस आर्टिकल में सजेशन दिया गया क्रिएशन ऑफ अ कमीशन ठीक है Uh, यहां पे बात करेगी इस आर्टिकल में अ कमीशन ऑन क्लाइमेट चेंज कुड बी सेटअप विद द पावर एंड अथॉरिटी टू इश्यू डायरेक्शन ठीक है दूसरी बात ये जो कमीशन सेटअप करी जाएगी दिस कैन हैव सर्टन क्वाइट ऑफ क्वाजी जुडिशियल पावर्स विद द क्वाजी जुडिशियल पावर्स विद द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट कैन इन्श्योर दैट इसके जो कमीशन के डायरेक्शन हैं, जो कमीशन जो भी रेगुलेशन जो भी पॉलिसीज अगर फॉर्मुलेट करता है जो सजेस्ट करता है वो इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो किए जा सके ठीक है उसके लिए इसको एक क्वाजी जुडिशल मैकेनिज्म देना बहुत जरूरी है ठीक है और ये जो कमीशन है इन परस्पेक्टिव ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ इट्स फंक्शन कैन ऑल्सो गाइड मेनी प्राइवेट एंड पब्लिक एजेंसीज इनपिंग मैन इन हेल्पिंग दैम

सी क्लाइमेट चेंज हैज़ बिकम अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ आर पॉलिसी डिस्कोर्स ठीक है अब चाहे हम ट्रेड की बात करें डिप्लोमेसी की बात करें इंटरनल इश्यूज़ की बात करें क्लाइमेट चेंज हेज बिकम वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग तो अब इसको बहुत सीरियसनेस से देखा जा रहा है ठीक है सो अब इसके चलते अकाउंटेबिलिटी और लीगल फ्रेमवर्क बढ़ाने के लिए लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कमीशन का यहां पर सजेशन दिया गया है ठीक है उसके अलावा यहां पर बात करी गई है टू नीड टू हैव अ लीगली इन्फोर्सेबल नेशनल क्लाइमेट चेंज प्लान च गोज बियॉन्ड द स्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स एंड डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ना अनाउंसिंग प्लास्टिक बैन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर बात करें प्लास्टिक बैन अनाउंस किया गया था डेली में ना ये चलो अनाउंस कर दिया प्लास्टिक पोल्यूशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या उसके इंपैक्ट है वो चलो अच्छी बात है लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए बट सब्स्टिट्यूट क्या है सो वी ऑल्सो हैव टू एक्सप्लोर अ सबस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक फॉर द पीपल यू आर अनाउंसिंग अ बैन ऑन वन हैंड बट यू ऑल्सो हैव टू गिटरनेटिव टू प्लास्टिक टू द पीपल ताकि उसकी यूटिलिटी लोगों को हो सके अगर प्लास्टिक बैग नहीं तो और कौन सी ऐसी जिसमें लोग यूटिलिटी कर सकते हैं नेशन वाइड इंटरवेंशन लेड बाई स स्केल फॉर प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट चलिए अगला आर्टिकल है uh, ये किस कंटेक्ट में यहां पे बात आई है नॉट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बट मोर अकाउंटेबिलिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द जजेस ठीक है दोस्तों देखिए अब ऐसा है कि अब यहाँ पे जो कंटेक्स शेयर किया गया वो इस कंटेक्स वो इस इशू में है दैट जब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्म खान जो अभी पीछे केस बहुत चर्चा में रहा था अब अगर कोर्ट ने अब अगर कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बेल के ऑर्डर पास कर दिए हैं अब वो बेल के ऑर्डर एग्जीक्यूट होने में भी बहुत टाइम लग जाता है ठीक है तो यहां पे बात करी गई है दैट ये जो आर्यन खान का जो केस था जो देखिए इसके इसको चलते बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी हम वो एनडीपीएस की कंट्रोवर्सी की हम बात नहीं कर रहे हैं हम उस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहे हैं कि आर्यन आर्यन खान का जो केस था वो उसके मेरिट्स क्या है डी मेरिट्स क्या है यहां पर बात जस्टिस की आ रही है ठीक है यहां पर बात इफेक्टिव रेमिडी की आ रही है यहां पर इस आर्टिकल में बात यह लिखी गई है कि अगर कोर्ट ने अगर बेल का फैसला दे दिया है तो वो बेल का फैसला एग्जीक्यूट होने में देरी क्यों आ जाती है ठीक है ना वेन द बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल

कंसर्नड कन्विक्ट uh, के उनको ये पढ़ के आगे जेल अथॉरिटीज को देना पड़ता है उसके बाद जाके जो कन्विक्ट है जिसको अरेस्ट किया गया है जेल में रखा गया है उसको बाद में जाके उसको फिर रिहाई मिलती है ठीक है तो इस पूरे प्रोसेस में आर्यन खान को एक दिन का डिले मिला था यानी कि अगर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगर ऑर्डर आज अनाउंस किया था कि आर्यन खान को बेल मिल सकता है तो आर्यन खान को चौबीस से छत्तीस uh, घंटे वेट करना पड़ा था फाइनली टू गेट रिलीज फ्रॉम द जेल तो बात यह है कि इस तरह की जो प्रोसीजरल ऑब्स्टिकल्स हैं ये क्यों आ रही हैं बिटवीन द सिटीजन एंड हिज लिबर्टी एंड हिज प्रिवेसी बिकॉज ये सब नहीं होना चाहिए रिसेंटली जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ हुड्स द ई कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट कमेंटेड एट अ पब्लिक इवेंट दैट द डिले इन कम्युनिकेटिंग बेल ऑर्डर देखिए आज के टाइम पे डिजिटल जमाना है वर्चुअल हेयरिंग uh, हो रही हैं इंटरनेट का इतना यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है ठीक है टेक्नोलॉजी का इतना एक्सरसाइज किया जा रहा है तो इतना डिले क्यों आ रहा है इतना डिले नहीं आना चाहिए सिर्फ एक बेल ऑर्डर को कम्युनिकेट करने के लिए इन सेप्टेंबर 2021, जस्ट टू मंथ्स बैक देर अ सजेशन फॉर क्रिएशन ऑफ फास्टर, फास्टर क्या है फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम ताकि अगर आज चाहे हाई कोर्ट है चाहे लोअर कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है अगर किसी ने बेल ऑर्डर अगर किसी भी किसी भी कोर्ट पे कोई बेल ऑर्डर अनाउंस करा गया है तो सिटीजन को इमीजिएटली रिहा कर देना चाहिए है। और ये जो प्रोसीजरल डिलेज आते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द बेल ऑर्डर टू द बेल ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू द जेल अथॉरिटीज ये सब नहीं आना चाहिए दिस वुड ट्रांसमिट ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज ऑफ द इंटर स्टे ऑर्डर जेल ऑर्डर एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स टू द ड्यूटी होल्डर्स तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने सारे होने के बावजूद भी उसके बाद भी ये जो अगर बेल ऑर्डर्स इफेक्टिवली नहीं कम्युनिकेट हो पा रहे तो फिर इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का फायदा ही क्या है सिग्निफिकेंस ही क्या है इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कोर्ट प्रोजेक्ट ठीक है सो ये ई कोर्ट प्रोजेक्ट का जो फेज टू है इसको दो uh, हजार में पब्लिश uh, किया गया था कि इसको 2014 में अनाउंस किया गया था इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा नाउ दिस वाज अ वेरी प्लान बट इट इज येट नॉट फुलफिल्ड जो प्लान था फेस टू ऑफ दर्ट प्रोजेक्ट ये जो प्लान था दिस इनवॉल्व फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन की इंस्टीट्यूशन इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नाउ द बेल जेल कनेक्टिविटी इश्यू इन दर्यन खान केस इज अटम ऑफ द ई कमिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेयरिंग ऑफ द ई कोर्ट प्रोजेक्ट अब ये ई e कमेटी के जो चेयरमैन है वो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ है ठीक है अब अगर एक जज ऑफ द स्टेचर ऑफ डी वाई चंद्रचूड़ अगर वो इस ई कमेटी को हेड कर रहे हैं तो उसके बावजूद भी इस तरह के प्रोसीजरल डिलेज आ रहे हैं और अगर इतने एम्बिशियस प्लेटफॉर्म्स अनाउंस करे गए हैं लाइक ई कोच तो उसके बावजूद ही अगर डिलेज आ रहे हैं सो दैट पुट्स इन क्वेश्चन द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एट द फर्स्ट को अब बच सो so, ये सिर्फ आर्यन खान की यहां पे बात नहीं हो रही कि सिर्फ आर्यन खान के साथ डिले हुआ है किसी के साथ भी हो सकता है ठीक है अगर किसी को देखिए अगर देखिए अब अगर बेल का फैसला अगर किसी भी सिटीज़न को अनाउंस करा गया और उसको बेल नहीं मिल रही है उसको तभी भी जेल में डाला रखा हुआ है बिकॉज ऑफ़ दिस प्रोसीजरल डिले कि भी वो लेटर बॉक्स में वो बेल ऑर्डर अभी तक नहीं आया या वो लेटर बॉक्स में आ गया उसको चार बारी उसका वकील पढ़ के जो कन्विक्ट उसको पढ़ के सुनाएगा उसके बाद जाके उसको बेल मिलेगी तो इस सब के इस सब के अगर प्रोसीजर के बावजूद अगर हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के टर्ड अगर बढ़ रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेके आ रहे हैं तो ये फिर बात मैच नहीं करती उसके साथ

Uh, the working of uh, whatever is happening inside the courts. तो इसके चलते यहाँ पे accountability नहीं है, ठीक है? इसके चलते कोई ऐसा mechanism नहीं है जहाँ पे ये e-courts project को monitor किया जाए by an executive authority. Now what is the way forward? Now high courts which are responsible for administering lower courts claim the shield of judicial independence, ठीक है? So that ये judicial independence के पर्दे के कारण वो public scrutiny से बच सकते हैं. नाउ द आंसर टू फिक्सिंग द ज्यूडिशियल सिस्टम डज नॉट लाई इन थ्रोइंग मोर मनी और क्रिएटिंग मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स लाइक इट इज़ गुड द इंटेंट इज गुड डिजिटाइजेशन ऑफ दिज बेल ऑर्डर्स डिजिटाइजेशन ऑफ द कोर्ट प्लेटफ़ॉर्म्स डिजिटाइजेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स दैट इज ऑल गुड बट एट द हार्ट ऑफ इट ऑल्सो लाइज दैट इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने के बजाय अगर एक ह्यूमन टच अगर जजेस अपने डिसीजंस में लेके आ सके तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ना ही कोई ऐसी जरूरत है लाइक द नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन एज इज डिमांडेड बाय द इनकम्बिट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सोल्यूशन लाइज इन व्हाट डिमांडिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द जजेस ठीक है अब क्योंकि ये ई e कमेटी जो प्रोजेक्ट है ई e कोर्ट की ये जो ई e कमेटी को जो हैड uh, करते हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ अब इतने बड़े जज हैं उसको हेड कर रहे हैं अब यहां पे अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें फ्रॉम द जजेस तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है दिस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग लॉट ऑफ मनी ऑन दीज प्रोजेक्ट्स चलिए अगला आर्टिकल है अ लॉन्ग रोड द लॉन्ग रोड टू टाइमली मनरेगा पेमेंट्स सो कंटेक्स क्या है कंटेक्स इज डिले इन द मनरेगा पेमेंट्स नाउ अब यहां पे एक रिपोर्ट आई थी पीछे द पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लॉयमेंट गारंटी पी ए जी सो रिसेंटली दिस रिपोर्ट वॉज रिलीज जहां पे ये बात करी गई थी दैट जो मनरेगा वर्कर्स हैं उनको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रही है ठीक है सो कम से कम आठ करोड़ आठ से नौ करोड़ मनरेगा वर्कर्स थे जिनको अभी पेमेंट नहीं मिली थी Uh, उनके ड्यूज नहीं मिले थे और इट ऑल्सो शोड फंड एलोकेशन फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी लास्ट ईयर नाउ अब यहां पे स्टेजेस क्या है फॉर द वेज पेमेंट प्रोसेस अंडर मनरेगा तो पहले तो स्टेज वन आती है स्टेज वन में क्या होता है कि जो स्टेट्स हैं वो पहले इलेक्ट्रॉनिकली इन्वॉइस भेजते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन एट डेज रिप्लाई जो अपना रिप्लाई है वो फाइल बैक करना होता है नाउ दीज इन्स कंटेन एसेंशियल वर्कर डिटेल्स लाइक उनके नाम जो भी वर, जो मनरेगा वर्कर्स उनके नाम उनका बैंक अकाउंट नंबर एक्सेट्रा अब सेंट्रल अब ये स्टेज वन आ गई स्टेज टू में क्या स्टेज टू में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है ये जो इन्वॉइसिस जो स्टेज वन में स्टेट राज्य सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे उनको uh, वो प्रोसेस करता है स्टडी करता है एंड देन उसके बाद वो वेजेस ट्रांसफर करता है डायरेक्टली टू दी वर्कर्स अकाउंट देंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन सेवन डेज आफ्टर स्टेज वन ठीक है तो स्टेज वन में यानी कि स्टेट्स ने इन्वॉइसिस भेज दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वहां पे जो भी मनरेगा वर्कर्स है उनका नाम उनका पता उनके बैंक अकाउंट नंबर ये सब भेज दिए अब आफ्टर सेवन डेज ऑफ रिसीविंग यानी कि ऑन दी एट्थ डे ठीक है अगर पहले दिन अगर अगर आज स्टेट्स ने भेजा है सेंट्रल गवर्नमेंट को सारा का सारा जो भी रिकॉर्ड है मनरेगा वर्कर्स का उनके बैंक अकाउंट नंबर ऑन दी डे यानी कि इस डे के सेवन डेज के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट जो भी पेमेंट्स हैं वो मनरेगा वर्कर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए अब एज पर दी मनरेगा एक्ट ये सब बातें मनरेगा एक्ट में ही इंश्राइंड है एज पर दी मनरेगा एक्ट इफ स्टेज वन

सैलरी uh, मिलनी चाहिए फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट नाउ सिंस द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 2018 स्टेज वन डिलेज है स्टेज वन यानी कि जो राज्य सरकारें हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनकी तरफ से कोई डिले नहीं आ रहा वो अपनी तरफ से जो भी प्रोसेस uh, जो भी फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने के लिए एज फार एज द मनरेगा वर्कर्स एज फार एज द कंसर्निंग मनरेगा वर्कर्स वो अपनी तरफ से भेज रहे हैं वो टाइमली एग्जीक्यूट कर रहे हैं बट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिले आ रहा है जो पेमेंट्स हैं टू दनरेगा इन द वायलेशन ऑफ द एक्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर स्टेज टू इज इवन चलो एक तो होगी बात केंद्र सरकार लेट पेमेंट दे रही है मनरेगा वर्कर्स को उसके जो जो बात मनरेगा एक्ट के अंदर है और जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस भी साफ साफ कहती हैं कि के एक्स्ट्रा पैसे मिलने चाहिए द कास्ट ऑफ वर्कर्स को वो भी नहीं जा रहे हैं। अब ये तो ये एक सुझाव सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल मार्च दो में रखा अब ये कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन ये एक इंटरेस्टिंग बात है यहां पे अगर अब इसको हम स्टडी करें कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन को तो कम से कम 46% सिक्स परसेंट ऑफ द पेमेंट्स टू द शेड्यूल कास्ट वर्कर्स एंड थर्टी सेवन परसेंट फॉर देड्यूल्ड ट्राइब वर्कर्स वर कंप्लीटेड इन द मैंडेटेड सेवन डे पीरियड बट फॉर द नॉन शेड्यूल कास्ट एंड द नॉन एस टी पीपल इट वॉज अ डिस्मल ट्वेंटी सिक्स परसेंट ओनली ये जो नेगेटिव इंपैक्ट था कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन का दिस वॉज फेल्ड एक्यूटली इन द बिमारू स्टेट्स इन द दूर स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश झारखंड ओडिशा एंड वेस्ट बेंगाल

Now, ये बात तो चलो कहना कि चलो ठीक है अर्निंग ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड कितने वो हमको इस के थ्रू पता लग सकता है बट ये वेजेस पे करने के बाद भी पता लग सकता है कि पहले चाहे शेड्यूल कास्ट है चाहे शेड्यूल ट्राइब्स है चाहे शेड्यूल कास्ट नहीं है कोई भी इंसान हो तो अगर आपने अगर एक डेटा अनालिसिस करना है अगर आपने यह पता लगाना है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड की क्या उनकी इनकम है तो यह बाद में भी पता लगा सकता है पहले आप लोगों को पहले मनरेगा वर्कर्स को अपनी सैलरी जो है वो तो ट्रांसफर कर दो

Wo, during investigation some materials containing radical literature was found now what was that radical literature this radical literature included book on caste issues in india and a transition of dissent notes written by rosa luxemburg and Rosa luxemburg and lenin now there were also leaflets that were allegedly not i mean this is again allegedly related to Maoist organization jiske chalte in teen nozvanakuper युवापा के जो धारा है सेक्शन 38 और 39 वो लगा दिए गए देखिए अब दोस्तों बात यहाँ पे ये आती है कि युवापा का जो मिस है वो काफ़ी समय से हम इसके बारे में बात करें काफी एडिटोरियल कवरेज भी इसको लेके हुई थी कि युवापा का बहुत मिसइंटरप्रेट किया जाता है युवापा का मिस इंटरप्रेशन मिस इंटरप्रिटेशन करना मीन्स क्योंकि युवापा में ऐसे बहुत ड्रिकोनियन टर्म्स हैं युवापा के अंदर ऐसे बहुत ड्रिकोनियन सेक्शन हैं जो इतनी आसानी से आपको बेल नहीं देते हैं ठीक है थीके? और किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखिए अब किसी भी व्यक्ति को यह कहना कि उसके पास मार्क्स की किताब पढ़ी है उसके पास लेनिन की किताब पढ़ी है या उसके पास कोई भी ऐसा या उसकी आइडियोलॉजी इज नॉट इन सेंट विध आइडियोलॉजी ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन तो उसको यह कहना कि वो एंटी नेशनल है वो एंटी इंडियन है या वो टेररिस्ट है ठीक है या वो देश के लिए खतरा है वो सब सही नहीं है ठीक है तो सेक्शन थर्टी और सेक्शन थर्टी जो है ये बहुत ड्रिकोनियन सेक्शन है ऑफ द युवापा एक्ट नाउ सेक्शन थर्टी विद द ऑफेंस रिलेटिंग टू मेंबरशिप ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्या प्रूफ है कि जिसके चलते हम ये प्रूव कर सकें दैट ये जो व्यक्ति है थवा फजल कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है या ये खुद एक टेररिस्ट है और सेक्शन 39 जो है डील्स विद ऑफेंस रिलेटिंग टू सपोर्ट गिवन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो क्या काल मार्क्स या लेनिन की किताबें आपके पास होना डज दैट शो दैट यू आर अ टेररिस्ट ठीक है देखिए ये सब ये तो ये सिडिशियस एक्ट इस तरह की तो बातें हम जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो अंग्रेज इस तरह के एक्ट्स लागू करते थे अगेंस्ट द इंडियंस Uh, तो अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक की महात्मा गांधी की उनके ऊपर इतने सिडिशन के केसेस लगाए जाते थे उनको कहा जाता था कि ये एंटी नेशनल है uh, कि इनके पास ऐसा लिटरेचर है सिडिशियस लिटरेचर है दे आर ट्राइंग टू इंसाइट वायलेंस दे आर ट्राइंग टू इंस्टिगेट दासेज अगेंस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल तो अब ये बातें तो चलो प्री कॉलोनियल टाइम्स में हमको समझ आती थी बट आज के टाइम पर अगर इस तरह के लॉज हमारे पास हैं अगर अगर इस तरह के लॉज जो कि बहुत बेबुनियाद हैं जो कि ये प्रूव नहीं कर पाते हैं दैट ये जो व्यक्ति हैं किसी किस्म की वायलेंट एक्टिविटीज इंस्टी

द सुप्रीम कोर्ट अल्ड द ट्रायल जज फाइंडिंग दटीरियल प्राइमा फेसिंग डू नॉट शो कि अगर इस तरह का लिटरेचर उसके पास पाया गया है तो प्राइमा सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि देखिए जो भी आपने प्रोसिक्यूशन ने जो भी एविडेंसेस पेश करे हैं तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंसेज ये नहीं साबित कर सकते दैट ये जो व्यक्ति है थवाहा फसल जो व्यक्ति है दैट उसका कोई इंटेंट था या उसके दोस्तों का कोई इंटेंट था टू फर्दर द एक्टिविटीज ऑफ एन एलिजे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसको जो इंटरप्रेट किया वॉज अ वेरी लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच वॉज मच नीडेड इट दैट मेयर एसोसिएशन विद अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सफिशेंट टू अट्रैक्ट ऑफेंस विच इज अंटिल द एसोसिएशन एंड सपोर्ट ऑफ दिस पर्सन टू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज विद द इंटेंशन ऑफ फर्दरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देन यू कैन से कि ये जो सेक्शन 38 और 39 है ये लागू होते हैं बट अगर ऐसा नहीं है अगर उनका इंटेंशन अगर किसी व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जुड़ा भी हुआ है बट उसके जुड़ने के जुड़ने का कारण या जुड़ने के बाद कोई ऐसा इंटेंट उसकी तरफ से नहीं है उस व्यक्ति की तरफ से नहीं है जो उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को और एडवांस कर रहा है तो ये सेक्शन 38 और 39 लगाना सही नहीं है ठीक है सेक्शन 43 थ्री डी फाइव ऑफ द सेज दैट फॉर मेनी ऑफ द द अंडर एक्ट बेल शुड नॉट बी ग्रांटेड ठीक है देखिए आमतौर पे तो बहुत एक वेल well स्टेब्लिश्ड एक प्रिंसिपल है दैट बेल शुड बी द रूल एंड जेल शुड बी द एक्सेप्शन ठीक है लेकिन आज के टाइम पे हम ये देख रहे हैं कि ये जो नॉर्म है ये बदला गया है तो आज के टाइम पे चाहे वो आर्यन खान केस है चाहे वो स्टांत स्वामी का केस है ठीक है सो बात का बात यहाँ पे यह आ जाती है जेल बिकम्स द रूल एंड बेल बिकम्स द एक्सेप्शन ठीक है क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया को बहुत तसली मिलती है किसी भी व्यक्ति का ट्रायल लेने में ठीक है किसी भी व्यक्ति को कटघरे में खड़ा कराने में तो चाहे वो स्टैंड स्वामी हो चाहे वो आरिन खान हो चाहे वो कोई भी हो तो अब ये जो नॉर्म्स है, हैं जो डिस्टॉट हो रही हैं दे ऑल्सो इम्पैक्ट अ पर्सनस इंडिविजुअल लिबर्टी एज वेल ना युवापा प्रॉम्ड द कोर्ट टू कंसिडर द वर्जन ऑफ द प्रोसिक्यूशन अब प्रोसिक्यूशन जो है जो प्रोसिक्यूशन जो के वकील होंगे जो यानी कि जो स्टेट के वकील होंगे अगर जो वो एविडेंसेस वो सामने रखेंगे उसी को सत्य माना जाएगा जो ट्रायल कोर्ट की अगर हम बात करें जो लोअर कोर्ट्स की बात करें तो लोअर कोर्ट्स में प्रोसिक्यूशन के ही जो एविडेंसेस होते हैं प्रोसिक्यूशन की ही जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको ही सही माना जाता है यानी कि मुकदमा शुरू होने से पहले ही ये ये अज्यूम किया जाता है कि जो बंदा है जो कटघरे में खड़ा हुआ है वो गिल्टी है वो इनोसेंट नहीं है तो ये प्रिजाम्पन ऑफ गिल्ट पहले से ही है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए अपनी इनोसेंस प्रूव करने का ड्रॉबैक ऑफ युवापा इनस्टेड ऑफ ऑफ इनोसेंस द प्रिजाम होल्ड प्रिजाम्पन ऑफ गिल्ट एज अ नॉर्मल नॉर्म राइट सो सेक्शन फोर्टी थ्री ऑफ देश एक्सप्रेसिवली सेज अबाउट एज टू ऑफेंसेस Okay, so Supreme Court's analysis has, to some extent, liberalised and uh, has, has, to some extent, liberalised this very draconian section of the UAPA. Now, in 2019, under the Zahoor Ahmed Shah Batali, the Supreme Court said that by virtue of Section 43D5 of UAPA, the burden is on the accused. Now, this is very funny baat hai. अब अगर अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट अगर युवापा लगाया गया है तो अब वो कैसे अपने आप को अब ऑब्बियसली उसको टाइम चाहिए अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि वो इनोसेंट है कि वो नहीं है ठीक है बट अब बर्डन जो है वो अक्यूज के ऊपर है ये प्रूफ करने के लिए कि वो इनोसेंट है और जो भी बातें प्रोसिक्यूशन ने सामने रखी हैं जो भी एविडेंसेस या जो भी स्टेटमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने सामने रखी हैं वो सच नहीं है ये बात का बर्डन अक्यूज के ऊपर है प्रूफ करने का ठीक है जबकि ऑलरेडी युवापा जो है प्रिजर्म्पन ऑफ गिल्ट पे एम्परसाइज करता है प्रिजम्पन ऑफ इनोसेंस पे नहीं नाउ स्कोप फॉर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें नाउ इन द के ए नजीब केस द लार्जर बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट से दैट इवन द स्ट्रिंजेंट प्रोविजन अंडर द सेक्शन फोर्टी थ्री डी फाइव डू नॉट कटेल द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट टू ग्रांट बेल ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट देखिए अब यहाँ पे ये जो के नजीब केस था इसमें ये बात मैंशन है कि चलो ठीक है युवापा के जो सेक्शंस हैं वो बहुत ड्रकोनियन हैं कुछ ऐसी बातें उसमें बहुत अपसर्ड मैंशन भी हैं दैट कि वो अक्यूज के ऊपर लाए करता है कि वो अपनी इनोसेंस को प्रूफ करे ठीक है बट चलो अगर बेशक अगर युवापा ये कहता है दैट अगर जो बंदा कटघरे में खड़ा है वो सस्पिशियस है यानी कि यार उसने कोई ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी कैरी ऑन करी है चाहे कोई सिडिशियस एक्टिविटी हो चाहे कुछ भी हो ठीक है बट फिर भी एटलीस्ट अगर हम अगर एक एज ए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी एक संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ठीक है बिकॉज जो इंसान खड़ा है कटघरे में आफ्टर ऑल उसका फंडामेंटल राइट right तो वायलेट हो रहा है अगर उसको बेल ना दी जाए विदाउट एनी एविडेंस कि वो बंदा उस बंदे ने कुछ क्राइम करा है कि नहीं करा ठीक है सो ऑब्वियसली दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट टू लाइफ ऑफ द पर्सन कंसर्न कोर्ट यूजली अडोप्टेड टू म्यूचुअली कॉन्ट्रोडिक्टी मैथड इन डीलिंग विद सच टफ प्रोविजन अब ये जो दो मैथड है जो कॉन्ट्रोडिक्ट करते हैं पहला इज टू रीड एंड अप्लाई द प्रोविजन अगर सिर्फ युवापा के प्रोविजन को रीड एंड अप्लाई कर दे उस हिसाब से तो फिर वो हम जो बंदा कटघरे में खड़ा हुआ है उसके उसकी जो हम जो उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं फंडामेंटल राइट टू लाइफ है लिबर्टी right है, है वो वायलेट होंगी बिकॉज युवापा के जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं युवापा के जितने भी सेक्शन हमने अभी तक डिस्कस करे हैं वो बहुत हार्श है और दूसरा द अदर सो दैट इज़ वन वे ऑफ रीडिंग और दैट इज़ वन वे ऑफ इंटरप्रेटिंग यानी कि जो लिखा हुआ है आपने अप्लाई कर दिया इंटरप्रेट कर दिया और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या है इज द कॉन्स्टिट्यूशन रीडिंग ऑफ द स्टैचू विच परसीव द इशू इन द एंगल ऑफ ह्यूमन राइट्स सेकेंड अप्रोच है लॉ सो विशियस कंटेंट ऑफ द लॉ ऑफ इन इनहा फसल द कोर्ट हैजर्टेड द प्राइमेसी प्रोसेस ओवर द टेक्स्ट ऑफ युवापा द judgment should be invoked to release other political prisoners इन the कंट्री because there are सो so many prisoners लैंग्वेजिक इन the कंट्री बिकॉज ऑफ these रिकोनियन लॉज और जो conviction रेट है वो बहुत कम है चाहे हम एन एस एक्ट की बात करें चाहे हम युवापा की बात करें चाहे हम सिडिशन की बात करें अंत में जाके इतने सालों के बाद आठ साल के बाद नौ साल के बाद कुछ केसेज में तो पंद्रह साल के बाद ये प्रूव ही नहीं हो पाता कि जो इंसान को युवापा के तहत एन एस ए के तहत सिडिशन के तहत जेल में डाला गया था वो वाकई में मुलजम था कि नहीं ये बात प्रूव ही नहीं हो पाती है और जो इंसान है जो व्यक्ति है वो अपने इतने सारे साल जेल में काट देता है यानी कि उसकी लिबर्टी वायलेट होती है चलिए अगला आर्टिकल वो भी इससे मिलता जुलता है ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आता स्टॉप दी अरेस्ट मैडनेस ठीक है अब जेल मस्ट बी दी एक्सेप्शन नॉट दी नॉम ये बात देखिए वीके कृष्णा स्वामी अय्यर ने बहुत फेमसली एक जजमेंट में स्टैब्लिश करी थी दैट जो जेल है दैट शुड नॉट बी दी सो बेल शुड बी दी बेल शुड बी द नॉम एंड जेल शुड बी दी एक्सेप्शन सो आमतौर पे ये नॉम कैटेगोरिकली फॉलो किया जाता था लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं मीडिया प्रेशर के चलते और सोशल मीडिया के प्रेशर चलते सोशल मीडिया के प्रेशर चलते जेल हैज बिकम द नॉम एंड नॉट द एक्सेप्शन ठीक है अब अगर हर किसी को सिर्फ शक के दायरे में डाल के चाहे वो आर्यन खान है चाहे वो स्वामी है चाहे वो कोई भी है अगर उसको शक के दायरे में डाल के अगर आप जेल में डाल रहे हैं तो उससे आप उनका आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है राइट टू लाइफ है वो, वो वायलेट कर रहे हैं बिकॉज नो पर्सन आर्टिकल ट्वेंटी शाल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ तो जो ऐसे कानून में प्रोविजंस हैं जो भी ऐसे हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं उसके तहत अगर हम काम करें तो बेहतर है अगर उसके बियॉन्ड हम सिर्फ प्रेशर में आके या सोशल मीडिया हाइप में आके या मीडिया प्रेशर में आके अगर हम ये काम कर रहे हैं किसी को जेल में डाल रहे हैं और लॉस का कानून का मिस यूज कर रहे हैं तो वो सही बात नहीं है सुप्रीम कोर्ट हैज रिपीटेडली लेड डाउन डायरेक्शन ऑफ ग्रांटिंग ऑफ बेल एज द रूल एंड जेल एज द एक्सेप्शन ठीक है तो नॉर्मल केसेस में बेल मिलनी जरूरी है बेल मिलना बेल मिलनी चाहिए इतना डिले नहीं आना चाहिए ठीक है ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी लगातार काफ़ी सारी गाइडलाइंस में बात स्टाब्लिश करी है देखिए इंसान ने जुर्म करा है उसने क्राइम करा है कि नहीं करा वो बात चलो वो बात प्रूव हो जाएगी वो बात का भी चलो जो प्रूफ है वो वो दैट 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 बर्डन ऑफ प्रूविंग द पर्सन वो पुलिस के हाथ में है कि पुलिस एविडेंस इकट्ठा करे प्रूफ इकट्ठा करे टू तो शो दैट लुक दिस पर्सन हज कमिटेड अ क्राइम लेकिन ट्रायल स्टेज में जब तक वो ट्रायल वो अभी कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जो सिर्फ ट्रायल स्टेज में लटके रहते हैं इतने इतने सालों के लिए तो वो जो लोग जो इतने सालों के लिए ट्रायल स्टेज में ही लटके पड़े हैं उनकी जो राइट टू लाइफ है राइट टू लिबर्टी है जो उनकी पर्सनल लिबर्टी है वो वायलेट नहीं हो रही क्या इफ अ केस केस इज इज इवन स्लाइटली सेंसेशनल फॉर दिस खान इट ऑलमोस्ट सर्टन दैट एन अक्यूज विल नॉट बी ग्रांटेड बेल टिल द टाइम हिज केस हिज और हर केस रीच फ्रॉम द लोअर कोर्ट टू दाई कोर्ट नाउ अब ऐसे कौन से इश्यूज हैं वाइल्ड ग्रांटिंग बेल ठीक है नंबर वन ऑन दी वन हैंड इज द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द अक्यूज और दी सस्पेक्ट ठीक है तो यहाँ पे जो सस्पेक्ट है ये जो आप किसी को शक के दायरे में अगर आप जेल में डाल रहे हैं विदाउट एनी प्रूफ तो आप उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी वायलेट कर रहे हैं ऑन द अदर अब वो मुजरिम है कि नहीं ये बात की बात है ठीक है पर अभी तक तो वो सस्पेक्ट ही है ऑन दी अदर हैंड इट इज द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एज द होल उ इस आर्टिकल में ये बात है दैट नाउ टाइम है जेल में डाला जा रहा है और बेल डिनाई की जा रही है और ये जो प्रिंसिपल है रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन इस प्रिंसिपल को जो वायलेट किया जा रहा है सो दिस हार्म पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्च नाउ वे फॉउट फॉर दिस तो so, सबसे पहली बात ये जो अनचेक टेंडेंसी है फॉर एस्टिंग विदर सीनियर बैंक ऑफिशियल्स कंपनी एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट्स दिस मस्ट स्टॉप इमीडिएटली बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे जो 2G स्कैम के चलते काफी सारे ब्यूरोक्रेट्स को एक एक डेढ़ डेढ़ साल के लिए जेल में रखा गया था जिनको बाद में बाइजत बरी कर दिया गया था इक्विट कर दिया गया था उनका कोई क्राइम नहीं पाया गया था बट बिकॉज ऑफ द सेंसेशन बिकॉज ऑफ द मीडिया हाइप ऑल दिस थिंग हैपन ठीक है तो अब ये मीडिया हाइप के चलते मीडिया प्रेशर के चलते देखिए मीडिया अपनी तरफ से ट्रायल कर रहा होता है ठीक है है हालांकि मीडिया का कोई हक हाँ नहीं है ट्रायल करने का एक मीडिया ट्रायल से चल रहा होता है तो मीडिया के प्रेशर में आके अगर सुप्रीम कोर्ट कोर्ट या हाई कोर्ट किसी को जेल में डाल रहा है और एक साल डेढ़ साल दो साल निकलने के बाद जब ये प्रूफ ही नहीं हो पाता कि वो बंदा मुजरिम था कि नहीं तो दैट इज नॉट वेरी गुड फॉर पब्लिक इंटरेस्ट दैट वायलेट्स द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल ऑल दो देर इज नो एविडेंस दैट द प्रैक्टिस ऑफ रिफ्यूजिंग बेल हज लोअर द इंसिडेंस क्राइम ठीक है मान ली बात कि चलो अगर हम बेल अगर दे देते हैं या बेल नहीं देते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्राइम कम हो जाएगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पाया गया है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के थ्रू दैट सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल प्रिजनर्स बींगर ट्रायल्स एंड सेवन ऑफ देव बिन अ वेटिंग ट्रायल फॉर सो मेनी ईयर्स ठीक है तो इतने सारे लोग अभी तक सत्तर प्रतिशत जो लोग हैं वो भी सिर्फ ट्रायल स्टेज में ही है ठीक है uh, यानी कि उनके केस उनका केस अभी ट्रायल स्टेज से आगे बढ़ा ही नहीं है तो दैट इज ऑल्सो इन जस्टिस टू देम इट इज वेरी वेरी एसेंशियल टू सेंसिटाइज द जजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ द बेल पर्टिकुलरली वैन मोस्ट ऑफ द पुअर एंड इलिटरेट दे हैव लिटल और नो एक्सेस टू लीगल असिस्टेंस सो उनके लिए बहुत टॉर्चर की बात है उनके लिए बहुत इनजस्टिसबल बात है सो वेरी वेरी इस बात को लेकर थोड़े सेंसिटिव हो चलिए अगला आर्टिकल डिवाइडेड वी फॉल ये कल आया था इंडियन एक्सप्रेस में रिटर्न बाय प्रताप भानु मेहता अब कंटेक्स क्या है कंटेक्स इज नीड फॉर ग्रेटर ग्लोबल कोऑपरेशन देखिए अब इतने सारे अभी पिछले दो साल से इश्यूज जो बहुत न्यूज में रहे हैं पैंडेमिक की बात करें क्लाइमेट चेंज की बात करें अब ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको अकेला एक देश नहीं लड़ सकता पैंडेमिक में अगर हम बात करें या अगर हम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात करें तो ग्लोबल कोऑपरेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है लेकिन प्रॉब्लम यहां पे क्या है प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल ग्लोबल कोऑपरेशन कम लेकिन ग्लोबल कंपटीशन ज्यादा देखने को मिल रहा है चाहे वो पैंडेमिक था चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात करें ठीक है नाउ सेक्रेटरी एंटनी ब्लिकन आउटलाइन अप्रोच टू चाइना तो उनकी उन्होंने क्या बोला यूएस अप्रोच चाइना को क्या है कॉम्पिटिटिव शुड बी कोलाबोरेटिड वेन इट कैन बी यानी कि जो कोलाबोरेशन है अगर यूएस चाइना के साथ करना चाहेगा वो किसी मौके पे करना चाहेगा आमतौर पे जो नॉर्म रहेगा वो कंपटीशन का रहेगा Now, ये जो कॉम्पिटिशन और कोलाबोशन है ये ऐसी अगर आप सिलेक्टिवली कोलाबोरेट कर रहे हैं किसी नेशन के साथ या अगर आप सिलेक्टिवली कंपीट कर रहे हैं सो दैट इज नॉट गुड ऑन एड्रेसिंग इश्यूज विच इंपैक्ट द ग्लोबल स्टेज एट ऑल फॉर एक्जाम्पल हम क्लाइमेट चेंज की बात करें पैंडमिक की बात करें ठीक है तो अब ये ऐसे इशूज हैं विच नीड ग्रेटर ग्लोबल कन्वर्जेंस एंड नॉट कॉम्पिटिशन ग्लोबल इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस जो ग्लोबलाइजेशन पिछले तीस पैंतीस सालों से जो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट थे है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में आई आर के टर्म्स में एक टर्म आता है हाइपर ग्लोबलाइजेशन तो हाइपर जो ग्लोबलिस्ट थे उनका ये कहना था दैट देखो अब बाय दी यू you नो know, अगर हम नाइनटीन की बात करें तो बहुत सारे जो देश थे वो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन हम अगर इंडिया की भी बात करें तो नाइनटीन के बाद हमने अपनी इकॉनमी को ओपन अप कर लिया था तो जो जो हाइपर ग्लोबलिस्ट थे उनका ये कहना था दैट देखो ग्लोबलाइजेशन के चलते लड़ाइयाँ नहीं होंगी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे कॉम्पिटिशन नहीं होगा प्रेशर नहीं होगा और ग्लोबलाइजेशन के चलते इसी बहाने बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बनी रहेगी देशों के बीच में बट चलो वो सही बात है बनी भी रही बट क्या आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कि कन्फ्लिक्ट खत्म हो गए हैं चलो कोई वर्ल्ड वॉर थ्री नहीं हुआ फाइन आई एग्री बट फिर भी कंफ्लिक्ट तो हैं टेंशन तो हैं कॉम्पिटिशन तो अभी भी दो देशों के बीच में बल्कि ग्लोबलाइजेशन के चलते कॉम्पिटिशन और बढ़ गए हैं देर वॉज एन आइडिया दैट कॉमन चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज द पैंडमिक एंड द रिस्क पोस्ड बाई टेक्नोलॉजी फॉस्ट अटर ग्लोबल कॉपरेशन बट ऐसा नहीं हुआ ठीक है सो फ्रॉम पैंडमिक टू क्लाइमेट क्राइसिस ऑलमोस्ट ऑल द ग्लोबल दैट शुड है ओकेजन और द्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल कॉपरेशन दे हैव बिकम द साइड फॉर इंटेंसिफाइंग ग्लोबल कॉम्पिटिशन नाउ डिमिनिशिंग मल्टीलेटरलिज्मीक है तो मल्टीलेटरलिज्म की जो सिग्निफिकेंस है जो वैल्यू है वो खत्म हुई दिखाई दे रही है ठीक है देखो 1991 से पहले बाईपोलारिटी थी 1991 के बाद हम कहते हैं चलो आ गई फिर से जब यूएसएसआर का जब डाउनफॉल हुआ डिसइंटीग्रेशन हुआ ठीक है तो 1991 से लेकर 2008 तक यूनिपुला यूनिपुलारिटी थी फिर 2008 के बाद हमने देखा ब्रिक्स की बात देखते हैं ठीक है थीके? तो दो के बाद हम देखते हैं कि मल्टीपोलारिटी है मल्टीलेटरिज्म है ठीक है ना अगर मल्टीलेटरिल्म है तो आज दो हजार आ गया है तो मल्टीलेटरलिज्म क्यों नहीं इफेक्टिव हो पा रहा चाहे ग्लोबल Uh, अगर हम ग्लोबल इश्यूज़ की बात करें टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें न्यूक्लियर न्यूक्लियर आर्म्स रेस की बात करें पेंडेमिक की बात करें तो ग्लोबल कोऑपरेशन इन मल्टीलिटल फोरम्स में क्यों नहीं दिख पा रहा द शिफ्ट इन द क्लाइमेट चेंज डिस्कोर्स इज मोर अबाउट इंटेंसिफाइंग टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेशन रादर देन सॉल्विंग सीरियस ग्लोबल प्रॉब्लम्स देखिए अब डेवलप्ड देशों को है कि भाई हमने 2050 तक नेट जीरो हो जाएंगे हमारी लाइबिलिटी खत्म हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है ना अब यहां पे रेस लगी हुई कि कौन सा देश पहले नेट जीरो होगा और जो डेवलप्ड देश है यूरोपियन यूनियन की बात करें अमेरिका की बात करें वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी कर रहे थे डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप भी नेट जीरो के टूवर्ड्स मूव करिए ठीक है नेट जीरो के टूवर्ड्स अपने वातावरण को साफ रखना स्वच्छ रखना वो हम सभी देश चाहते हैं चाहे वो कोई भी देश हो अफ्रीका का हो साउथ एशिया का हो अमेरिका का हो लेकिन डेवलप्ड देशों को यहाँ पे कोऑपरेट भी तो करना पड़ेगा ना डेवलप्ड देशों को यहाँ पे अपनी कोऑपरेशन गरीब देशों को दिखानी पड़ेगी उनको फंड्स देने पड़ेंगे उनको क्लीनर टेक्नोलॉजीज देनी पड़ेंगी यही तो ग्लोबल कोऑपरेशन है ऐसे उनको अकेले छोड़ देंगे अपने हालत में लड़ने के लिए तो ये तो कॉम्पिटिशन वाली भावना आ गई कि भाई हम पहले नेट जीरो हो रहे हैं, हमारा काम खत्म हो गया वी आर डन तो ये जो कॉम्पिटिशन है खास करके यूएस और चाइना के बीच में ये डिमिनिश कर रहा है ग्लोबल प्रॉब्लम्स को ग्लोबल कंसर्न्स को जिनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है और डेवलप्ड देश उनको ज्यादा अच्छी तरीके से एड्रेस कर सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम इन ऑल ग्लोबल पब्लिक गुड्स इंक्लूडिंग सिक्योरिटी कैन बी मेड एक्सट्रीमली वालेबल इवन बाय स्मॉल ग्रुप्स कैरिंग सेंस ऑफ ग्रीवेंस नॉ क्लाइमेट एंड ग्लोबल पब्लिक हेल्थ राधर देन एक्टिंग एज अ स्पर टू ग्लोबल कोऑपरेशन आर सिम्टम्स ऑफ पैथोलॉजी इट इज हाई टाइम टर्म है मल्टी

किसी कॉमन आर्किटेक्चर को कॉमन ग्लोबल रूल्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है यूनानिमसली तभी ये टर्म मल्टीलेटलिज्म यूज करने का फायदा है तभी हम कह सकते हैं कि मल्टीलेटलिज्म का कोई सक्सेस है अदरवाइज जो इश्यूज अभी हम देख रहे हैं तो उसके चलते मल्टीलेटलिज्म की वैल्यू जो है बहुत डिमिनिश कर चुकी है देखिए अगर मल्टीलेटलिज्म सच में इफेक्टिव होता तो आज ये कंडीशन होती है कि अफ्रीका में अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन है बहुत सारे लोग हैं दस परसेंट मैं अगर लाइक अगर एक रफ एस्टिमेट दूं, तो नॉट इवन टेन परसेंट ऑफ द होल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हैज़ बिन वैक्सीनेटेड बाय सिंगल शॉट तो अगर वाकई में मल्टीलिटरिज्म इतना अच्छा होता इतना सिग्निफिकेंट होता तो ये प्रॉब्लम अफ्रीका में ना आती तो सिर्फ ये जो अमीर देश हैं बड़े देश हैं उनका ये कहना कि भाई हमने अपना हाथ साफ कर लिया हमने अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया हम नेट जीरो के टुवर्ड्स जा रहे हैं ठीक है हमने ऐसे नए कानून बनाए हैं जिसके चलते हम आ, हाई कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स में ट्रेड नहीं करेंगे तो आप गरीबों का क्या होगा जो गरीब कंट्रीज उनका क्या क्योंकि ये तो जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं ना सिर्फ आप अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने से या आप अपनी कंट्री को 2050 तक नेट जीरो बनाने से आप ये नहीं कह सकते कि आप सेफ़ हैं ठीक है नो इज सेफ टिल द टाइम एवरी इज़ नॉट सेफ दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड पैंडमिक ने हमको ये सबसे बड़ी टीचिंग सिखाई है इस चीज़ को लेकर

इन प्रेजेंट टाइम्स दर इज नॉट इवन अ सिंगल कंट्री विच इज कमिटेड टू बिल्डिंग मल्टीलेटिज्म ठीक है नो द रियल चॉइस फॉर द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट नाविगेटिंग बिटवीन विच साइड टू और विच ब्लॉक टू बी अ पार्ट ऑफ वेदर बी शुड बी अ पार्ट ऑफ द चाइनीज ब्लॉक और वेदर बी शुड बी दार्ट ऑफ द यू एसलेट ब्लॉक तो ये जो है दैट इज नॉट द रियल चॉइस फॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड

ये ग्लोबल कोऑपरेशन के लिए एक एक इफेक्टिव मल्टीलेटरल ऑर्डर के लिए ज्यादा एफिशिएंट नहीं है ठीक है तो इस तरह का जो माइंडसेट है इस तरह की जो आइडियोलॉजी है ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है टू डील ऑन ग्लोबल इश्यूज लाइक द पैंडेमिक और द क्लाइमेट चेंज चलिए अगला आर्टिकल ये आज इंडियन एक्सप्रेस में है यूरेशिया ऑपरचुनिटी दिस इज रिटन बाय सी राजोहन ना कंटेक्स्ट इस आर्टिकल क्या है इंडिया इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट है इंडिया अप्रोच टूवर्ड यूरेशिया तो यूरेशिया को हम सेंट्रल एशिया भी कहते हैं है ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स अब यहाँ पे बात करी गई है इस आर्टिकल में इंगेजमेंट ऑफ इंडिया इन द इंडो पैसेफिक वर्सेज इंडिया की इंगेजमेंट इन यूरेशिया तो ये इंडो पैसेफिक की बात करें तो यहाँ पे तो हमने काफी ज्यादा खास करके पिछले एक डेढ़ साल में हमने बहुत यहां पे इंटरेस्ट दिखाया है यहां पे अपने बहुत एंगेजमेंट रखी है तो फॉर एग्जांपल हम क्वाड की बात करें ठीक है अब इंडो पैसिफिक हैज बिकम अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी तो वी ऑल्सो सो अलॉट ऑफ हाइप ऑफ दिस डिस्कशन हैपनिंग दिस ईयर ऑन क्वाड ठीक है सो कमिंग टूगेदर उद ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूएस उसके अलावा इंडिया के ऐसे और भी बहुत सारे मिनी लेटरल लेटरलिटरल बायोलिटरल फोरम्स हैं इन द इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करें इंडिया की अगर इंगेजमेंट एशियान के साथ हो है ना इंडिया uh, की इंगेजमेंट बिम्स्टिक के साथ हो तो ऐसे और भी बड़े फोरम्स हैं जहाँ पे इंडिया की इंगेजमेंट यू यूरोपियन यूनियन के साथ हो विजेवी इंडो पैसेफिक तो ऐसे और भी बड़े फोरम्स हैं क्वाड के अलावा भी यानी कि इंडो पेसिफिक में हमने बहुत सारा अपना जो डिप्लोमेसी है और जो हमने अपना पोलिटिकल इंटरेस्ट है बहुत इन्वेस्ट किया है वहाँ पर तो अगर इंडो पैसिफिक इज अबाउट डेलीज न्यू मैरिटाइम जियो पॉलिटिक्स के अगर इंडिया इंडो पैसेफिक में चाइना को एक चेक देना चाहता है इंडिया अपनी जो नेवल डोमिनेंस है इंडो पैसेफिक में इंजॉय करना चाहता है मेनटेन करना चाहता है फाइन यूरेशिया भी ऐसी ऑपरचुनिटी देती है इंडिया को यूरेशिया इन्वॉल्व यूरेशिया या सेंट्रल एशिया अगर हम कहें यूरेशिया कहीं यूरेश्स द री ऑफ इंडिया कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटी हिस्टोरिकल प्रस्पेक्टिव की बात करें ना अगर हम सेंट्रल एशिया की बात करें विद इंडिया सो वी हैव सिविलाइजेशनल लिंक्स विद यूरेशिया राइट विद द सेंट्रल एशियन कंट्रीज सो सो मेनी किंग्स राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ कुशांस द शाका सो मेनी किंग्स दे हैव कम अगर आपने एंशियट हिस्ट्री पढ़ी है सो यू नो सो मेनी किंग्स दे हैव कम फ्रॉम दिस रीजन टू इंडिया एंड अमेल्गमेटेड विद द कल्चर एंड द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया द कलाबरेशन बिटवीन द संघ द बुद्धिस्ट संघ एंड द श्रेणी सो श्रेणी वॉज गिल्ड था जो जो ट्रेडर्स का जो गिल्ड था जो ट्रेडर्स का क्राफ्टमैन का जो गिल्ड था दैट वॉज कॉल्ड द श्रेणी इन द बुद्धिस्ट एरा प्रोड्यूस्ड सो वी हैड लॉन्ग सिविलाइजेशनल ट्रेड रिलेशज रीजन्स ऑफ द सेंट्रल एशिया सो वी हैव Uh, civilization linkages with uh, with this part of the world now consolidation of the british raj as a territorial entity in the subcontinent also saw the outward projection of india's influence into central asia the great game between the british and the russia in the early in the 19th and the early 20th centuries put eurasian geopolitics at the top of undivided india's security agenda However, unfortunately, after partition, because after the partition of the subcontinent, India's physical disconnection from the inner Asia, Central Asia, had cut India off from the Eurasian geopolitics. Now, why Central Asia or Eurasia, as we call it? Why does it matter for India? The most important development in Eurasia or in Central Asia today is the rise of China. अब इसके राइज ऑफ चाइना के चलते जो चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दैट हैज लिंकेजेस अक्रॉस सेंट्रल एशिया रशिया एंड ऑन टू द शोर्स ऑफ अटलांटिक यूरोप की जो ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटर इंटरडिपेंडेंस है विद चाइना हैज ऑल्सो एडेड टू बीजिंग चाइनाज पावरफुल लेवरेजेस यूरेशिया सो दिस इज नॉट गुड अगर हम क्योंकि इंडिया बिकॉज देखिए चाइना का तो बहुत एक वो डिजायर रहा है कि इंडिया को हर तरफ से इंसर्कल करने का तो अगर हम वाकई में अगर हम चाइना को चेक देना चाहते हैं जैसे चाइना की राइस को हम चेक करने के लिए हमने एक क्वाड बनाया है क्वाड का एक अलायंस बना है टू चेक दी हेजमनी और टू चेक दी दसर्टिवनेस ऑफ चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन उसी तरह से हमको एक ऐसा अलायंस या एक ऐसा पावरफुल अलायंस विद इन सेंट्रल एशिया बनाना बहुत जरूरी है जहाँ पर हम चाइना के राइस को चेक कर सकें वॉट डेली नाउ नीड इज एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू यूरेशिया प्रपोज इस आर्टिकल में जो प्रपोजल दिया गया कि कैसे इंडिया अपनी जो स्ट्रैटेजी है टूवर्ड सेंट्रल एशिया रीओरियंट कर सकते हो तो यहां पर तीन बातें करी गई है पहली बात इज दैट कि कैसे हम यूरोप के साथ अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और कैसे यूरोप के साथ हम और स्ट्रेटेजिक अपनी पार्टनरशिप कर सकते हैं विज वी एम्फरसाइजिंग ऑन द सेंट्रल एशियन रीजन विच इज द यूरेशिया नाउ दे इज अड टू पुट यूरोप बैक इन टू द इंडिया कॉन्टिनेंटल कैलकुलस उसके बाद यहां पे बात करी गई है दूसरी बात इंटेंसिफाइंग द डायलॉग ऑफ यूरेशन सिक्योरिटी विद रशिया ठीक है नाउ अब दिल्ली और रशिया के बीच में क्वाड को लेके इंटरपेस को लेके थोड़े डिफरेंसेस रह सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली रशिया को नहीं अच्छा लगा क्योंकि रशिया का चाइना का ये कहना दैट क्वाड इज लाइक एन एशियन नेटो ठीक है तो ऑब्वियसली रशिया को नहीं अच्छा लगेगा रशिया इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है कि वाई इज इंडिया बींग मोर क्लोजर टू यूएसए और उसके चलते हम कि रशिया भी अगर इंडिया यूएसए के क्लोज हो रहा है तो रशिया चाइना के ज्यादा क्लोज हो रहे हैं ये हम देख रहे हैं पिछले पांच सात सालों में बट अगर हम बात करें सेंट्रल एशिया की बात करें हम जो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान की बिकॉज लेट्स डोट फोरगेट इंस्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान हैज अ लार्ज रिपकर्शन हैज अ लार्ज इंपैक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन एज वेल सो डेली एंड रशिया हैव गुड रीजन टू हैव कन्वर्जेंस टू नैरो ऑन अफगानिस्तान एंड वाइडन द कोऑपरेशन ऑन द कॉन्टिनेंटल यूरेशन सिक्योरिटी और लास्टली जो तीसरी बात है वो यहां पे ये मेंशन करी गई है दैट देर नीड फॉर सब्सटानसिव इंडियन कोलाबरेशन विद बोथ पर्शिया यानी कि ईरान एंड द गल्फ मोनार्कीज ठीक है तो ईरान की जो जोग्राफिकल लोकेशन है दैट मेक्स इट वेरी क्रिटिकल फॉर द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया एंड लास्टली जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस है या जो वेट ऑफ द गल्फ कैपिटल है इन द सेंट्रल एशियन रीजन दैट ऑल्सो मेक्स अ बिग इंपैक्ट विच इज वाई गुड अलायंस अ गुड पार्टनरशिप विद बोथ इरा एंड गोनार्किस इज वेरी इंपेरेटिव टू हैव अटेजिक विजन इन दूरेशन रीजन चलिए अगला आर्टिकल द कनेक्टिविटी इफेक्ट ये आज आए इंडियन एक्सप्रेस में नाउ इसका कंटेक्स क्या है गतिशक्ति एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरन पॉलिसी ठीक है तो गतिशक्ति के जो तीन मेजर कॉम्पोन है तो गतिशक्ति योजना के बारे में काफी पहले भी आर्टिकल्स में डिस्कस करा है इसकी डिस्कशन डेली न्यूज डिस्कशन में एडिटोरियल डिस्कशन में काफी हुई है ठीक so, है सो गतिशक्ति जो प्लान है यानी कि ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुश देने का जो प्लान है ठीक है so, सो तेजी से स्पीडियर वे से इंप्लीमेंट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को डिलेस को ज्यादा ना आने देना रेड टेबिजम को रिमूव करना तो ये सब जो बातें हैं कैसे दिस कैन ऑल्सो बिकम अ टूल फॉर द फॉरन पॉलिसी एज वेल ठीक है नाउ देर आर थ्री मेन कॉम्पोनेट्स ऑफ द गतिशक्ति प्लान वन इज इंक्रीजिंग द इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द बिटवीन द वेरियस मिनिस्ट्रीज आर द यूनियन एंड द स्टेट लेवल सेकंड इज टू हैव अ मल्टी सो इंक्रीज एंड टू गिव मोर इम्पैक्ट टू द मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन सो दैट लॉजिस्टिक्स के जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो सके ठीक है और तीसरा एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग टूल टू डिसेमिनेट प्रोजेक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड प्रायरिटाइज की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स तो इसको लेके हमने वैसे डिटेल में बहुत बात करी है गतिशक्ति योजना को हमारा जो मेन जो इस जो हमारा मेन जो अभी टॉपिक है इस आर्टिकल में डिस्कस करने का वो ये वाला है पोटेंशियल ऑफ गति शक्ति फ्रॉम अ फॉरेन पॉलिसी एंगल ठीक है नाउ अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पुश रखेंगे अगर हम बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उससे हम विद इन द रीजन कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे देखिए एक सिग्निफिकेंटली अब यहां पे तो आपको एक बात एडमिट करनी पड़ेगी दैट अगर हम अपने नेबरहुड की बात करें तो हमारी जो नेबरहुड कंट्रीज हैं दे हैव बिन वेरी मच डिपेंडेंट नॉट ऑन इंडिया बट ऑन चाइना बिकॉज ऑफ चाइनाज कमिटमेंट टू वॉक द टॉक बिकॉज ऑफ चाइनाज स्पीडियर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। अब अगर इंडिया देखिए वैसे तो गतिशक्ति योजना जो है वो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैटर करता है बट अगर हम बहुत स्पीडी अगर हम बहुत तेजी से अगर हम बहुत तेज़ी से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट रिवाइव बैक कर पाएंगे अगर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होगा इंडिया में कि यहाँ पे डिलेज नहीं आते रेड टेपिज्म कम हो चुका है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं टाइमली वे में एग्जीक्यूट हो जाते हैं बन जाते हैं तो उससे हम जो कॉन्फिडेंस है वो और इंस्पायर कर पाएंगे विद इन द नेबरहुड रीजन जो कि इस टाइम पे बहुत कम है और इसी के चलते जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं नेपाल बांग्लादेश भूटान ये सब चाइना के ऊपर रिलाई करते हैं बिकॉज चाइना डिलीवर वेरी फास्ट सो अगर हम अपनी डिलीवरी अगर हम फास्ट कर सकेंगे तो इससे बहुत ज्यादा एक इंपेक्ट हमको साउथ एशियन रीजन में भी देखने को मिलेगा विच इज वाई दिस आर्टिकल से पोटेंशियल ऑफ गतिशक्ति इन द फॉरन पॉलिसी इज वेल नाउ दिस विल अगर हम अपनी यहां पर डोमेस्टिक अगर डोमेस्टिकली अगर हम गतिशक्ति की प्रोग्रेस अगर देख सके दिस विल ऑल्सो हैव ग्रेटर पॉजिटिव इफेक्ट टू डीपन इंडियाज इकोनॉमिक टाइज विथ साउथ एशिया साउथ ईस्ट एशिया एंड द इंडियन एशियन रीजन

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कम से कम भी एंड आर वेस्टिंग फोर्टीन परसेंट ऑफ अ जी डी पी इन द लॉजिस्टिक कॉस्ट वेर आज द डेवलप कंट्रीज और इवन अगर हम चाइना की भी बात करें उनका जो लॉजिस्टिक कॉस्ट का जो जो वेस्टेज है वो बहुत कम है दैट इज रफली अराउंड सेवन टू एट परसेंट ऑफ जी डी पी तो अगर हम इसको एफिशियंट कर पाएंगे ये जो जो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक कॉस्ट है अगर इसको हम और रिड्यूस कर पाएंगे दैट विल बी वेरी गुड बिकॉज दिस विल ऑल्सो ब्रिंग टू कंट्री लाइक नेपाल गिवन दैट 98 परसेंट ऑफ नेपाल टोटल ट्रेड ट्रांसिट्स इन्वेस्टमेंट इन मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ऑन ईस्टर्न कोर्ट, ऑन ईस्टर्न कोस्ट इज रिकनेक्टिंग इंडिया विद बे ऑफ बंगाल एंड साउथ ईस्ट एशिया सो जो हमारा बिम्स्टिक का जो ब्लॉक है एशियान का जो ब्लॉक है वहां पर हम ज्यादा डीपर इकनॉमिक इंटीग्रेशन देख पाएंगे अगर हम ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट ईस्टर्न कोस्ट रीजन पे इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर अगर हम ज्यादा सक्सेसफुली और तेजी से इंप्लीमेंट कर सके हाउ कैन इंडिया इंश्योर मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम गतिशक्ति प्रोग्राम नाउ इंडिया इसके लिए इंडिया टू gauge देयर कनेक्टिविटी strategies और उनकी कनेक्टिविटी प्रायोरिटीज क्या है ठीक है नाउ बिकॉज वी हैव टू the माइंड इसके लिए इंडिया विल रिक्वायर अलॉट ऑफ डिप्लोमैटिक स्किल्स टू रीश्योर इट्स नेबर्स एंड their पेस नाउ कहने की बात यह है दैट ये जो योजना है ये जो प्रोग्राम है दिस हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ हार्नेसिंग एंड इन टर्म्स ऑफ बेटरिंग इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग इंडियाज रिलेशन विद इट्स नेबरहुड राइट बट इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनकी नीड्स और उनकी प्रायोरिटीज को एम्पोसाइज ना करें उनको क्या चाहिए क्या उनकी कनेक्टिविटी नीड्स हैं क्या उनकी कनेक्टिविटी प्रायोरिटीज है उसको मद्देनजर रखते हुए हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें सेकेंड वे फॉर इंडिया टू वर्क थ्रू रीजनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्लेटफॉर्म तो अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल तो यहां पे जैसे बिमस्टेक है बीबीआईन है अब अगर हम सार्क की बात करें तो हमने कोशिश करी देखिए सार्क तो वैसे चलो 2014 के बाद तो कोई समिट हुआ नहीं सार्क का बट 2014 में जो लास्ट सार्क का समिट हुआ था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सजेस्ट किया था हैविंग अ मोटर व्हीकल पैक्ट विद इन द सार्क रीजन विच पाकिस्तान वॉज नॉट रेडी टू एडमिट सो डेफिनेटली हमने फिर अब कनेक्टिविटी तो बहुत जरूरी है विद इन द साउथ एशियन रीजन कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी इंपेरेटिव फिजिकल कनेक्टिविटी हो चाहे रोड्स के थ्रू चाहे पोर्ट्स के थ्रू चाहे हाईवेज के थ्रू तो हमने फिर वो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट था वी स्टार्टेड टॉकिंग विद कंट्रीज लाइक बांग्लादेश भूटान एंड नेपाल ऑल्सो अगर सार्क हैज बिकम डिफेंड अगर सार्क में कोई रीजनल इंटीग्रेशन प्लान नहीं हो पा रहे हैं तो हम ये जो स्ट्रैटेजी है गतिशक्ति गत, योजना की दिस कैन वी कैन शिफ्ट दिस जियकोनॉमिक ओरिएटेशन ईस्टवर्ड्स टू ब्लॉक्स लाइक बिम्स्टेक एंड बी

जो एग्री टेक स्टार्टअप्स है इंडिया में उसके बारे में बात करी और क्या उनका पोटेंशियल है तो हाईलाइट्स की बात करिए सो ग्लोबली इंडिया इज कंपीटिंग एट द मोमेंट विद यूएसए एंड चाइना इन दिस स्टार्टअप स्पेस सेकेंडली इंडिया हैज सीन ऑफ लेटली एन इंक्रीज इन फंडिंग फ्रॉम अ मेयर सिक्स हंड्रेड मिलियन इन ट्वेंटी मोर देन थ्री टाइम्स टू टू बिलियन इन टू थाउजेंड ट्वेंटी बिहाइंड एंड चाइना ई so, की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया इंडियन एग्रीटेक मार्केट ये जो इंडियन एग्रीटेक स्टार्टअप्स हैं इनका जो मार्केट पोटेंशियल है इस 24 बिलियन डॉलर्स बाय द नेक्स्ट थ्री टू फोर इयर्स, सो दैट इज क्वाइट प्रॉमिसिंग, ऑफ विच ओनली वन परसेंट हैजिन कैप्चर्ड सो फार सो करंटली इट इज एस्टिमेटेड दैट देर आर अबाउट क्लोज टू सेवन हंड्रेड एग्रीटेक स्टार्टअप इन इंडिया

नंबर वन इज द नोबेलिटी ऑफ द स्टार्टअप लेट वैल्यू चेन ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट लिमिटेड टू इम्पावरिंग फार्मर्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इम्पावरिंग फार्मर्स बट ऑल्सो कॉपटिंग लोकल ग्रॉसरी मोम एंड पॉप एंड किरियाना स्टोर्स एज वेल तो ये जो स्टार्टअप नेटवर्क है दिस इज एबल टू लेवरेज द बिगर फ्रंट एंड प्लेयर्स हुमांड बल्क क्वालिटी प्रोड्यूस ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिग बजार की बात करें रिलायंस रिटेल की बात करें तो ये ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बहुत बल्क में डिमांड करते हैं बहुत बल्क क्वालिटी प्रोड्यूस डिमांड करते हैं फ्रॉम द फार्मर्स तो ये जो स्टार्टअप्स हैं दे एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द फार्मर्स एंड दीज बल्क कंज्यूमर्स सो इसको हम एफ टू सी भी कहते हैं सोते तो ना बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर्स तो ये क्या है एफ टू सी यानी कि ये स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं दे आर सक्सेसफुल इन कनेक्टिंग फार्मर्स टू कंज्यूमर्स तो so, इससे क्या है कि बीच में जो वो जो पूरे सप्लाई चेन में जो जो मिडिल लेवल इंटरमीडिएट्स होते हैं जो बहुत सारा पैसा खा जाते हैं किसान का तो ये यहाँ पे नहीं आता किसान को ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं उसकी जो प्रोड्यूसर उसको ज़्यादा उसकी अच्छी वैल्यू भी मिलती है ज़्यादा अच्छी प्राइस भी मिलती है और ट्रांसपोर्टेशन का भी ज़्यादा फार्मर्स को खर्चा नहीं उठाना पड़ता बिकॉज ये जो स्टार्टअप्स हैं ये बहुत एफिशेंटली ये एक लिंकेज प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को टू दीज बिग बल्क बायर्स लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बिग बाज़ार एंड रिलायंस रिटेल सो फॉर एग्जाम्पल देहाती बीच से बाजार तक की बात करें दिस इज अ फुल स्टॉक एग्री सर्विस स्टार्टअप दैट इंगेजेस थ्रू बी टू एफ यानी कि बिजनेस टू फार्मर एंड एफ टू बी मॉडल फार्मर टू बिजनेस ठीक है उसी तरह से क्रो फार्म की बात करें सो so, क्रो फार्म इज अ फार्मर टू बिजनेस डिजिटल सप्लाई चेन विच मैनेजेस लॉजिस्टिक्स इन्वेंट्री एंड सप्लाई ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम टू द रिटेल चेन्स लाइक बिग बाजार एंड रिलायंस रिटेल ठीक है Now, what is the future of the agri tech startups in India in the times to come? Now we have a farmer network. So with the farm, so currently these startups, they, these agri tech startups, they have a farmer network of 10,000 plus. Now the Crow Farm has served more than one lakh consumers and 5,000 businesses. So the ki baat kare, the is present in Bihar, West Bengal, Odisha, and Uttar Pradesh. So which is working along with more than six 6.5 lakh farmers through.

जो पूरी अगर हम सप्लाई चेन की बात करें कितने सारे जो फार्मर्स उनको पैसे देने पड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लीकेजेस होती हैं सप्लाई चेन में जो मिटल मैन जो होते हैं वो पैसे खा लेते हैं किसान के तो ये सब अब नहीं होता तो किसान को उसकी फसल का ज्यादा उसको एक आमदन भी मिलता है और ज्यादा उसको उसकी जो फसल की जो वैल्यू वो भी बेटर लगती है एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेसिस एग्रीटेक्स स्टार्टअप हैव द पोटेंशियल टू स्टीयर द शिफ्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एग्रीकल्चर मार्केट्स टू मोर डिमांड ड्रिवन डिजिटल मार्केट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है देखिए सरकार की इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर में होना जरूरी है बट ओवरली सरकार की इन्वॉल्वमेंट एग्रीकल्चर मार्केट्स में होना इज नॉट वेरी देखिए अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स की इनकम डबल हो ठीक है अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स जो एवरेज फार्मर है जिसके पास बहुत छोटा लैंड है अगर हम एवरेज इंडियन फार्मर की बात करें तो एटी सिक्स एटी सिक्स एट एटी सेवन परसेंट ऑफ द इंडियन फार्मर्स दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग्स लेस देन इवन टू लेस देन वन एकर्स ऑफ लैंड नाउ इफ वी वांट कि अगर वो क्योंकि एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी का भी इशू आ जाता है प्रोडक्शन का इतना इशू नहीं है पर प्रोडक्टिविटी का इशू है और फार्म इनकम्स का एक इशू आ जाता है तो इसको लेके हमने काफी बातें पहले भी करी हैं प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम्स को कैसे ऑगमेंट किया जा सकता है तो ये जो आग्री टेक स्टार्टअप है प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं टू द इंडियन फार्मर सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर फार्म इनकम्स एंड ऑल्सो कैरी ऑन प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही तो ये दस आर्टिकल्स थे जो कि फ्राइडे जो कि सैटरडे से लेके ट्यूसडे तक आए थे बिकॉज ऑब्वियसली फ्राइडे को न्यूज़पेपर नहीं आया था बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों ही छुट्टी पे थे दिवाली के कारण सो so, ठीक है दोस्तों मिलते हैं हम परसों और एडिटोरियल्स के साथ तो करेंगे थर्सडे को और एडिटोरियल एनालिसिस सो so, आप अपना ध्यान रखिए ठीक है जी मिलते हैं फिर परसों थैंक यू सो मच जय हिंद